तो खेलो कॉमेडियन लीग के अंदर हम वापस आ चुके हैं और आज हमारे साथ हैं पंकज शर्मा। तो आज इनको नाम से जानते हैं पपिया नाम से। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनको यहाँ पर आकर और कॉमेडियन से मिलकर कैसा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है, कल दो मैच हार गए थे लेकिन एंजॉय के साथ खेला, बहुत मजा आया। हार कर भी जीते हैं हम एक तरीके से, और बहुत मजा आ रहा है मैडम। तो सर आप अपनी कॉमेडी के बारे में बताइए, किस तरह की कॉमेडी आप करते हैं? कॉमेडी गणेश चौकी करूँ तो देखे करोगे? नहीं, शर्मा फिल्म स्टूडियो से जाके देखना, तब आप उसके बाद नहीं पूछोगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मतलब जो कॉमेडियन से है मिले हैं उनको आप पहले जानते भी होंगे, कुछ कॉमेडियन से जिनको आप नहीं भी जानते, तो उनसे मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सारे कॉमेडियन एक्टर बहुत अच्छे हैं। वैसे मैं सबको जानता हूँ, लगभग सबको जानता हूँ, जिनको नहीं जानता हूँ जगह नया मिली है वह भी बहुत अच्छा है, तो सब बढ़िया है। यहाँ पे अभी राजस्थानी जो लोग हैं उनका कॉमेडी क्रिकेट लीग हो रहा है, पुरुषों का हो रहा है, तो क्या लगता है इन फ्यूचर में महिलाओं के लिए भी कुछ आयोजन होगा? महिलाओं गई तो हैंगो, पहले भर्ती मैच फार्म भरूं मैडम, महिलाओं का होगा तो भी मैं खेलूंगा, आप टेंशन फ्री रहो, सेकंड बारी भी आएगी तो ही मारो नाम पहले आई मारो। महिला बन के खेलेंगे आप? हाँ खेलना की करी खेलना, लेकिन खेला महिला बन के खेलेंगे। और क्या, और सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा कि जैसे अपने जो राजस्थानी भाषा होती है उनको लोग जो होते हैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, लोग देखते भी नहीं है, लोग बाहर के जो चीज़ें होती है वो देखना पसंद करते हैं, लाइक पंजाबी हो गई, मराठी हो गई, इंग्लिश हो गई, तो अपनी राजस्थानी भाषा को किस तरीके से प्रमोट करना चाहेंगे आप? राजस्थानी भाषा ने प्रमोट करने वास्ते जो मैच राखियो है, वैसे देखा जाए तो मैं सब जना मारवाड़ी मैंने ही बोला, सब जना गेंद फेंक बॉल फेंक बैट पकड़ या जो भी वर्ड बोल रहे हैं यहाँ पे, वैसे मारवाड़ी मैंने बोला, तो कटिन कटी जानो सोशल मीडिया में जावे तो अपनी मारवाड़ी भाषा ने लोग देखे और बहुत अच्छा लगे। हमारी जो जनता आपको देख रही है उनके लिए दो शब्द आपके अंदाज में, मजा करो, मौज करो और रोज करो। धन्यवाद सर। यहाँ पे खेलो कॉमेडियन लीग चल रहा है और यहाँ पे आम जनता भी जुड़ चुकी है, तो उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो सर यहाँ पे आप मैच देखने के लिए आए, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है मैच देख के। तो आपका ये पहला मैच है या फिर सेकंड? नहीं नहीं, मैं कल भी देखा था और आज भी देख रहा हूँ, सेकंड डे है मेरा। तो क्या लग रहा है कौन सी टीम ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है? नहीं, टीम का तो मुझे नॉलेज नहीं है, मैं बस मैच एंजॉय कर रहा हूँ। तो फिर भी कोई जो कॉमेडियंस है अपने राजस्थान के जो कॉमेडियंस है उनको आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? एज ए ऑडियंस फुल सपोर्ट है, चेस करते हैं, एंजॉय करते हैं। सर आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप राजस्थानी कॉमेडियन से आप मिले होंगे तो कैसा एक्सपीरियंस है? बिल्कुल बहुत मजा आया, मैं पहले जो पहला सीजन था उसमें नहीं आ पाया, लेकिन दूसरे सीजन में मेरा नाम आया तो बहुत ज्यादा मतलब मेरे को खुशी हुई सबको एक साथ देख के, और मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगा। तो ऐसा कोई कॉमेडियन है जिसको आप फॉलो करते हैं और जिसके लिए आप यहाँ पे पर्सनली आए हैं? नहीं, सब सबका प्यार है मतलब, जैसे लेकिन अपने ख्याली जी की बात करें तो मैं सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट करता हूँ, और मेरे वो क्या नाम है, उनको देख के मैं कॉमेडी लाइन में आया था। ओके, आप किस तरह की कॉमेडी करते हैं? आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे। हाँ, तो यहाँ पे अभी जैसे राजस्थानी जो अपनी लैंग्वेज होती है उसको लोग ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, बाहर की जो लैंग्वेज होती है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो अपनी ज़्यादा राजस्थानी लैंग्वेज है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थानी भाषा में बनाते हैं वीडियो, हम जितने भी क्रिएटर हैं ना राजस्थान में, जितने भी कॉमेडियन हैं वो सारे राजस्थानी भाषा में बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो हिंदी में बना रहा है, सारे के सारे राजस्थानी भाषा में बनाते हैं। तो हमारे साथ चमड़ा वाला ग्रुप के मेंबर भी जुड़ चुके हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मैम, सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप इतनी अच्छी कवरेज कर रहे हैं, और इस खेलो कॉमेडी लीग का एक मेन उद्देश्य यही है मैम कि लोगों को हंसाना, और जितने भी कॉमेडियन साथी हैं इनको एक साथ मंच पे लाना, एक साथ उनके साथ बातचीत करना, लोगों को मिलाना, यही उद्देश्य है इस खेल का। इसमें जीत हार ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं इनको सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सरशिप भी कर रही है, जैसे बादरा की कंपनी चमड़ा वाला है उन्होंने इस मैच को KCL को भी स्पॉन्सर किया है, तो KCL ग्रुप के सभी स्टाफ मेंबर को मैं फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आपकी यहाँ पे कोई फेवरेट टीम है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? फेवरेट टीम तो मेरे राकेश भाई है जो मुरारी लाल जी की टीम में खेल रहे हैं, मेरे गांव से 60 किलोमीटर दूर से है, तो हम साथ में आए थे, तो पहली बार ही आना हुआ है हमारा, पिछली बार मैं भी नहीं आ पाया, तो मैं चमड़ा वाला के ओनर होने के हिसाब से तो तीनों दिन यहीं रुकूंगा मैं।
चलिए धन्यवाद। एक लोग हम हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा क्रिकेट मैच यहाँ पे चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको सर यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं आप? हम तो हमारे दोस्त की टीम को ही करेंगे, राखिया गोरिया जो मुरारी जी की टीम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने, और आगे भी आशा करते हैं कि ये फाइनल तक जाए और फाइनल चके। पहले बार आए हैं तो यही सोच रहे हैं। धन्यवाद सर। विनोद जी झाकड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि सर यहाँ पे जो कॉमेडियन जो लीग चल रहा है, सारे राजस्थानी जो कॉमेडियन है एक साथ इकट्ठा हो रखे हैं, तो कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी खेलो कॉमेडियन लीग सीजन 2 चल रहा है जयपुर में, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, इससे कॉमेडियन के साथ साथ खेलों को बढ़ावा मिलेगा। जो स्वास्थ्य के प्रति जो सीजन 2 के जो सीईओ हैं राहुल जी गोदारा, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में ये सीजन जो है चलता रहे, और जिससे युवाओं को बहुत ही अच्छा मतलब उत्साह का माहौल बना रहे, मैं शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे जो लोग खेल रहे हैं और राजस्थानी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से राजस्थानी भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं? मैं तो यही सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो खिलाड़ी हैं वो राजस्थानी भाषा से ही बिलोंग करते हैं। विनोद जी स्वामी परलिका से जो इसी टीम में भागीदार है, उनका भी बहुत लंबे समय से जो कि राजस्थानी के प्रति गंभीर हैं, अनेकों राजस्थानी कवि हुए हैं, अनेकों राजस्थानी जो है वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, मतलब इसमें वो तो सरकार पे है, डिपेंड करेगा कि कब इसको मान्यता मिले, और लगातार प्रयासरत हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूँ। जिस तरीके से अभी पुरुषों का खेल चल रहा है, उस तरीके से आपको लगता है इन फ्यूचर महिलाओं के लिए भी कुछ आयोजन किए जाएंगे? बिल्कुल लग तो रहा है ऐसे भी आयोजन होंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, तो महिलाओं को भी बराबर भागीदारी मिले। धन्यवाद सर।